हुआ वुमेन्स डे, आफ्टर विच पूरे वीकेंड पर काफी सारे बी टाउनर्स नजर आए कई अलग अलग इवेंट्स पर इन सपोर्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसी ने भी कुछ इस तरह की एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस, तो किसी ने सिखाया मार्शल आर्ट्स और किसी ने दी कुछ हार्ट फेल्ट स्पीचेस भी। रिस्पेक्ट एंड स्टैंड अप फॉर द वुमेन अराउंड। तो चलिए देखते हैं कैसे इन बी टाउनर्स ने इस वुमेन्स डे वीकेंड को स्पेशल बनाया। स्टार्टिंग विद एंटरटेनर नंबर वन अक्षय कुमार। एक वुमेन्स मैराथन को सपोर्ट करने आए अक्षय ने यहाँ सबसे पहले तो इस मैराथन को फ्लैग ऑफ किया और फिर एक के बाद एक दिखाए अपने एंटरटेनिंग स्टंट्स। अक्षय ने पहले एक सीनियर सिटीजन के साथ डांस किया, फिर एक छोटे बच्चे के साथ की ये मस्ती, फिर परफॉर्म किया एक डेयरिंग स्टंट और साथ ही एक अजीब सा गाना भी गा दिया अक्षय ने। इंजन सा बदन, खंबे से चरण, वो भैंस सा तेरा डगराना। दरअसल संडे की सुबह हुए द डीएनए आई कैन वुमेन्स हाफ मैराथन के गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए थे अक्षय कुमार और जैकी भगनानी भी अलोंग विद तारा शर्मा। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ जो मर्द पुशअप खाली ज्यादा मार सकते हैं, बाकी तो हर तरीके में वो आगे निकल गए हैं। घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, तो चाहे बेटी हो, बीवी हो या माँ हो। कहता ना कि कितना भी बड़ा होम मिनिस्टर होता है, तो वो होम मिनिस्टर है। जिनमें से अक्षय ने स्टेज पर आते ही शुरू कर दिया ये मस्ती मजाक। ये हमारी मस्ती जारी रहती है आप रेडियो पे सुने तो यहाँ पर मैं से अक्षय ब्लोमिया किस नो, सबने बोला कि मुझे किस ब्लो करो तुम। सर मुझे भी किस करो सर, खराब है लेकिन इतनी खराब है। वी गेस अर्ली मॉर्निंग अक्षय के एनर्जी लेवल्स थे ऑन एन ऑल टाइम हाई, तभी तो जल्द ही अक्षय आ गए इन द मूड फॉर सम डांस और शुरू कर दिया ये एंटरटेनिंग डांस सेशन। Let's take a look at Karisma Kapoor, जो Women's Day weekend पर नजर आई कुछ underprivileged street kids के साथ time spend करते हुए। दरअसल ये है डिजाइनर अर्चना कोचर का एक इनिशिएटिव, जहां इन बच्चों के ही डिजाइन किए गए ये हैंड बैग और क्राफ्ट पीसेज एग्जिबिट किए गए अर्चना के स्टोर में और करिश्मा इन प्रोडक्ट्स से काफी इम्प्रेस्ड नजर आए। सारी चीजें देखे जो उन्होंने बनाए हैं एंड देयर सो वंडरफुल एंड सो प्रिटी रियली। आई थिंक दे हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट देम बिकॉज दे आर द न्यू इंडिया एंड दे आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड एंड डू समथिंग ग्रेट। अरबाज और मलाइका, चित्रांगदा सिंह और लॉन्ग टाइम नो सी विद्युत जम्वाल भी नजर आए एक वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट पर कॉल्ड सोल्जर फॉर वुमेन, जहां इन सभी ने हाईलाइट की द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। आई थिंक इट्स रिस्पेक्ट एंड स्टैंड अप फॉर द वुमेन अराउंड, वेदर इट्स द वुमेन इन योर लाइफ, वेदर इट्स यू नो यू सी समथिंग हैपनिंग, स्टैंड अप फॉर एनीथिंग दैट्स रॉन्ग हैपनिंग अराउंड देम। That's the only thing that is expected. Otherwise, women are pretty capable of taking care of themselves. We don't need uniforms to become a soldier. I think we just need courage. We just need some amount of integrity to do that. So yeah, I would like to see more heroes around us. You cannot hit a woman. If you kick her, you'll break your leg. And if you hit her with your hand, you'll break your hand. So this is what I've always been taught. And I've grown up doing this, respecting women. And we need to understand the fact that we are not equals for sure. They're superior than us. वेल, अरबाज और मलाइका की बातें तो ठीक है, लेकिन अगर वुमेन सेफ्टी की बात करें तो हु बेटर देन ईशा कोपिकर। उन्होंने वुमेन्स वीकेंड पर टाइम निकाला एक वुमेन्स मार्शल आर्ट्स वर्कशॉप के लिए, जहां इस टाइक्वांडो कैंप ने डेमोन्स्ट्रेट की कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रिक्स फॉर वुमेन।
बस यही चाहती हूँ कि ये सीख के अननेसेसरली आप किसी के साथ फाइट मत कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक द मोर यू लर्न दिस द कामर यू बिकम. मैं चाहती हूँ कि भारत की हर एक नारी ये सीखे. और ये है लवासा वुमेन्स ड्राइव अवार्ड, एक ऐसा अवार्ड फंक्शन जहां रवीना टंडन, शहजान पलम सी एंड द टीम ऑफ काय पोचे वर सीन हैंडिंग आउट वेरियस अवार्ड्स टू वुमेन ड्राइवर्स विद अ कॉज. आई थिंक एक डर सा नहीं बैठेगा लोगों में, बदतमीजी करने से पहले सोचेंगे यू नो कि हमें कुछ एक कड़ी सज़ा मिलने वाली है. वो फियर नहीं है अभी तक लोगों में, और वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सभी फैमिली की, सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि वुमेन देर इक्वल टू अस, देयर इज नो वे कि दे शुड बी डाउनग्रेडेड. और शहजान ने यहाँ अनाउंस किया कि वो भी बहुत जल्द करने जा रही हैं ई टीजिंग पर एक स्पेशल कैंपेन. वी आर गोना बी स्टार्टिंग अ कॉज, इट्स गोना बी कॉल्ड इज्जत की फौज, एंड वी आर गोना बी आउट देयर fighting all these teasers, so watch out for us very soon. Well, to ye raha Bollywood in support of women's empowerment. Cheers to all the efforts. Farhan Fernandez, Zing, Mumbai.